सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत राज सुरहत्था निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4 से मुखिया पद हेतु उम्मीदवार अरुण कुमार सिंह, उसकी टीम वैशाली डिस्ट्रिक्ट का भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त अरुण कुमार सिंह जो पूरे समय अपने देश की सेवा की, जनता की सेवा की पुलिस के माध्यम से, और अब रिटायर होने के बाद ये बैठना नहीं चाह रहे हैं, फिर दोबारा जनता की सेवा करने के लिए इन्होंने कमर कस ली है। आइए अरुण कुमार सिंह जी से बात करते हैं, क्या कुछ इनकी सोच है, कैसे इस पंचायत चुनाव में आए हैं बताया जाए। जब मैं बिहार पुलिस के पुलिस अवनिरीक्षक पद से मैं रिटायर हुआ हूँ, सेवानिवृत्त होने के बाद मैं अपने गांव में, जो मेरा ग्राम बेलवर हुआ, वहाँ की जब मैं कुल व्यवस्था देखा पंचायत स्तरीय प्रखंड स्तरीय पर, तो बहुत हमको अजीब सा लगा कि क्या सरकार की क्या योजनाएं हैं और कितनी योजनाएं से हमारी जनता लाभान्वित है और बिचौलिया किस तरह से जनता को बड़गड़ा कर अपना जैसे वो पॉकेट जैसे भरती है, जनता से जैसे में दलाली प्रथा लेती है और धरातल पर काम कुछ नहीं होता है। नल जल योजना बना, नल बना लेकिन जल नहीं है, रोड है परंतु जैसे कहीं नाली नहीं है जिससे पानी का जैसे निकासी हो। मेरे गांव में देखिए तालाब है जिसमें हम लोगों को गांव में जैसे छठ पर्व होता था, वह छठ पर्व तालाब के संकीर्ण गंदगी के कारण, जल निकासी नहीं होने के कारण वह अवरुद्ध हो गया, बंद हो गया। राशन कार्ड, बहुत गरीब लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड अब तक नहीं बना। जिन लोगों ने राशन कार्ड के लिए 1,000 रुपये रिश्वत दिया उनका राशन बना। ऐसे अनेकों महिलाएं, अनेकों गरीब, अनेकों वर्ग के समाज के महिलाएं लोग हमसे शिकायत की कि अगर आप इस पद पर, मुखिया के पद पर अगर आप लड़ते तो आपके जैसे सुयोग्य आदमी होता, इसमें सुझाव होता। तो मेरा यही है कि जो भी सरकारी कार्य से लोग वंचित हैं, जो उसके उचित लाभान्वित है उसको लाभ पहुंचे। प्रखंड स्तर पर जो दलाली प्रथा चरम पर है वो दलाली प्रथा समाप्त हो, क्षेत्र का विकास हो। अब ये बताइए कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक जाल बिछाया हुआ है और ये चरम सीमा पर जी, तो किस तरह से आप बिगुल फूकेंगे, कहाँ से इसका स्टार्ट करेंगे उसको भगाना? जी, यह बात आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि भ्रष्टाचार नीचे से नहीं है, भ्रष्टाचार ऊपर से ही है। आप प्रखंड स्तर पर जाएंगे एक रसीद कटवाने के लिए, मोटेशन कटवाने के लिए, तो वह पैसा जहाँ 500, 200, 300 रसीद में लगता है, मोटेशन में कोई पैसा नहीं लगता है कटवाने में, वह 3,000, 4,000, 5,000, 7,000, 10,000 रुपया लेता है। और जब उससे पूछेंगे आप उससे कि भाई इतना पैसा आप क्यों ले रहे हो, तो यही कहता है कि सीओ साहब भी लेते हैं और सीओ साहब भी क्या करेंगे, वो लाचार हैं, सरकार तक ऊपर तक उन्हें पहुँचाना पड़ता है, जिला स्तर तक जो वरीय पदाधिकारी है उन्हें भी पहुँचाना पड़ता है। और आप परेशान होकर रह जाएंगे जब तक बिचौलिए को आप पैसा नहीं देंगे वह समाप्त नहीं होता है। तब मेरा प्रयास रहेगा, अथक प्रयास रहेगा कि आपके मीडिया के माध्यम से, जनता के सहयोग से, प्रखंड स्तर से जो भ्रष्टाचार है, जो दलाली पड़ता है, उसको हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे और इसके अंजाम सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसमें जन सहयोग चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, सभी गरीबों का सहयोग चाहिए, जनता का सहयोग। ये आपकी बिल्कुल सही सोच है और जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, आपका सहयोग नहीं होगा, क्योंकि आप मीडिया नहीं है, आप जैसे देश के चौथी स्तंभ माने जाते हैं, और आपका जब तक सहयोग मुझे नहीं मिलेगा, सभी गरीब जनता का, सभी वर्गों का जब तक मुझे सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इसमें हम सफल नहीं हो सकते हैं। जब भी सभी वर्गों का हमको सफल मिलेगा, मेरा पूर्ण विश्वास है कि जब मैं कर्मठता से, न्याय प्रिय से, मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो मुझे जरूर सफलता मिलेगी, मुझे आपका साथ, सबका विकास, सबका जैसे साथ मिलेगा। और एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं तो पुलिस विभाग से, पुलिस अवर निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं। अगर आज भी हमारे स्थानीय थाना प्रभारी, किसी भी थाना का थाना प्रभारी चाह ले कि उसके क्षेत्र में एक कोई अनैतिक काम नहीं हो,
तो मेरा दावा नहीं पूर्ण विश्वास है कि कोई अनैतिक कार्य नहीं होगा। जो भी कार्य होता है सब उनकी सन्निधिता में होती है। मुझे पहले यह समझ में आता था कि क्यों पुलिस से लोग इतना पब्लिक नाराज रहती है, क्यों पुलिस के प्रति इतनी नाराजगी रहती है। जब मैं सेवानिवृत्त होकर जब मैं जनता की सेवा बनने के लिए सेवक बनने के लिए आया, जनता के रूप में मैं जब आया वर्दी को छोड़कर, तब मुझे यह लगा कि नहीं, जनता तो हमारी देश के बहुत भोली भाली है। जैसा काम थानेदार लोग हमारे पुलिस करते हैं उन्हें तो जैसे वर्दी पर पेट्रोल छींक के आग लगा देना चाहिए। यह आक्रोश आपका बिल्कुल सही है और सिटी न्यूज अपने चैनल के माध्यम से फिर कहूंगा सर, फिर कहूंगा डीएम को कि बेगर स्थानीय थाना के, बेगर स्थानीय थाना प्रभारी के क्षेत्र में एक पत्ता नहीं हिल सकता है उनके इधर। जो भी अनैतिक कार्य होता है उसमें उनकी सहभागिता रहती है, मेरा यह पूर्ण दावा है। सिटी न्यूज की टीम बिहार सरकार को यह अपील करती है कि इस तरह का जो घटना घट रहा है और लोगों के बीच ये इस तरह की जानकारी छन के आ रही है, इस पर सरकार स्वतः संज्ञान ले और इस तरह की घटना न घटे। और जो भी थाना है सरकार के अंडर में, जो भी उसका प्रशासन है, सब चुस्त दुरुस्त हो और जनता के बीच जो है पुलिस का और न्यायपालिका का और सरकार का जो विश्वास है वो कायम रहे। सिटी न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दीजिए। मैं प्रमोद कुमार सिंह, ग्राम बिलवर, पोस्ट बिलवर, बटेरी प्रखंड और जिला वैशाली के रहने वाला हूँ। मैं रेल सेवा में पूरी सर्विस अपने अच्छे ढंग से करने के बाद ईमानदारी पूर्वक सेवानिवृत्त हो गया हूँ और मैं धार्मिक लोग हूँ। अरुण बाबू के साथ मैं इसलिए कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कसम खाया हूँ। महात्मा गांधी बोले थे कि सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं। तो मैं चाहता हूँ इनके माध्यम से कि सुरहत्था पंचायत अपराध मुक्त हो, उसकी बागडोर जनता के हाथ में हो, लुटेरों के हाथ में नहीं, भय मुक्त समाज बने और इतना विकास हो इस पंचायत का। यदि ये मुखिया बने तो मुझे पूरे आत्मा में हृदय में विश्वास है कि ऐसा यह पंचायत का विकास होगा कि पूरे बिहार के लिए मिसाल बनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि ये 10 साल पूर्व से आपको कसम खाए थे कि मैं घूस नहीं लूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा और आज तक ऐसा हमको नहीं लगता है कि विधानसभा के स्तर पर भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सच बोलने के लिए इस कलिकाल में कसम खा लिया। और आज तक निर्वहन हो रहा है तो मैं इनको यही कहता हूं, ऐसे व्यक्ति मैं समाज से, मैं पंचायत से दरखास्त करता हूं, आरजू करता हूं कि सच्चाई की जीत बहुत हो गया गलत लुटेरों का राज, बहुत हो गया अपराधियों का राज, बहुत हो गया दबंगों का राज। अब इस पंचायत से मैं प्रार्थना करता हूं, पंचायत के मतदाताओं से, ऐसे लोगों को जरूर बनावे जो आप विकास का डोर एक एक जनता के हाथ में हो, किसी अपराधी के हाथ में नहीं हो, लुटेरे के हाथ में नहीं हो, गमनकारी के हाथ में नहीं हो। इतना ही बोलकर मैं अपने बात को भी